नमस्कार जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। महालक्ष्मी व्रत जब शुरू होते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज़ सबसे पहले आ जाती है कि अब हमारी सारी मनोकामनाएं जो धन से जुड़ी हुई होती हैं वो ज़रूर पूरी हो जाएंगी, संतान से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं वो ज़रूर हमारी ठीक हो जाएंगी। संतान सप्तमी भी है इसी दिन जब महालक्ष्मी व्रत, जो कि 16 दिन के व्रत होते हैं, बहुत ही भव्य तरीके से मनाए जाते हैं, बहुत ही उत्तम व्रत होते हैं जब ये व्रत शुरू होते हैं, और जब इसका समापन होता है तब भी बहुत ही उत्तम उस समय योग और संयोग होता है। इन व्रत की अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो 13 सितंबर यानी सोमवार से ये व्रत शुरू हो रहे हैं। 16 दिन लगातार ये व्रत चलेंगे और ये व्रत का जो समापन है वो 28 सितंबर को समापन होगा, इसका मंगलवार का दिन होगा। और जैसा कि हमने कहा कि संतान सप्तमी भी है, 13 तारीख की संतान सप्तमी भी है और महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भी है, यानी एक कष्ट नहीं बहुत सारे कष्ट आपके दूर हो सकते हैं। धन की समस्याएं आपकी दूर होती है, खास करके आपको ऐश्वर्य की जो आपको मिलता है, सुख सुविधाएं मिलता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और तो और संतान के कष्टों की मुक्ति मिलती है। यानी संतान अगर आपको किसी भी तरीके से सता रही है, परेशान है, या खुद ही वो संतान परेशान है, तो इस समय जो उपाय आप करते हैं उसका लाभ आपको बहुत ही जल्दी मिलता है। अष्टमी तिथि की बात करते हैं तो अष्टमी तिथि 13 सितंबर को 3:10 से शुरू हो रही है और ये इसका तिथि का जो समापन है ये आपको अगले दिन सूर्य उदय के बाद तक है। तो इसका मतलब यह है कि 13 तारीख को ही आपने महालक्ष्मी व्रत, पहला व्रत जो है आपने शुरू कर देना है। और दूसरी बात, संतान सप्तमी का अगर आप व्रत रखते हैं तो भी आपने 13 तारीख को ही ये व्रत रखना है। एक खास समय हम बता रहे हैं आपको, जब आप माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे तो आपके घर में कभी धन की समस्या नहीं रहेगी। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से जैसे ये महालक्ष्मी का व्रत शुरू होता है, और उसमें भी खास करके कोई खास समय जब अगर आपको मिल जाता है जिसमें बहुत, जैसे चौगड़िया होता है, अमृत समय होता है, अमृत काल जिसे हम कहते हैं, शुभ समय होता है, अमृत मुहूर्त होता है, और तो और जो खास करके चौगड़िया के साथ जुड़ जाते हैं शुभ समय का मुहूर्त होता है, और इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त होता है, अगर ऐसे मुहूर्त कुछ आपको मिल जाते हैं तो वो बहुत ही उत्तम। अभिजीत मुहूर्त तो खैर खास करके आपको हमेशा ही मिल जाता है, लेकिन हम अमृत काल के मुहूर्त की बात कर रहे हैं, खास करके सुबह 6 से लेकर के 7:40 तक का ये जो समय है ये बड़ा ही पावन समय है। इस समय अगर के आप 3 मालाएं लक्ष्मी के मंत्र की जाप करते हैं, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, क्योंकि नारायण के बिना माँ लक्ष्मी नहीं जाती है कहीं, और जाती है तो स्थायी निवास नहीं करती हैं, वो टिकती नहीं है वहाँ, तो इसीलिए आपने 3 माला जाप सुबह 6 से लेकर के 7:40 तक लगभग आप इस समय है जब आप ये उपाय कर सकते हैं, इसी बीच ही कीजिएगा। वैसे 7:30 तक का समय है, बट 7-8 का एक बड़ा अच्छा योग संयोग बन रहा है, तो 7:40 तक आप ये उपाय कर सकते हैं। सुबह सुबह के टाइम पे नहा धो करके ही आपने ये पूजा पाठ करनी है, ध्यान रखिएगा, उसके बिना आपने ये पूजा नहीं करनी है। 3 माला जाप आपने ज़रूर करना है, ओम महालक्ष्मी नारायणाय नमः, यानी ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः या फिर ओम महालक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का जाप आपने करना है 3 माला। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, लेकिन सुबह सुबह का टाइम है, ध्यान रखिएगा। बहुत बार क्या होता है ना कि हम उस समय काम नहीं कर पा रहे हैं, भाई उस समय काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मनोकामना कैसे पूरी करनी है? अगर मनोकामना पूर्ण करनी है तो फिर तो आपको काम उसी समय करना पड़ेगा जिस समय ये योग बना होता है। ये अमृत काल का मुहूर्त है जो, जब आपका बहुत सारे काम जो है वो बन सकते हैं। 16 दिन तक चलने वाले ये व्रत हर दिन ही वैसे खास होते हैं, गोधूली वेला यानी शाम को सूर्यास्त से लेकर के 40 तक का जो समय है उस समय पे अगर आप हर दिन इन माला मंत्रों का जाप करते हैं जो हमने आपको बताया, लेकिन अब माला का कौन सा प्रयोग करना है, कौन सी माला आप यूज़ कर सकते हैं इन मंत्रों के जाप के लिए, वो आपको बताने जा रही हूँ।
कमल गट्टे की माला पर ही आपने ये जाप करना है, या फिर आपने स्फटिक की माला आती है स्फटिक की माला या फिर कमल गट्टे की माला पर ही आपने इन मंत्रों का जाप करना है। हर दिन लगातार आपने 16 दिन तक इस मंत्र का जाप जरूर करना है। ध्यान रखिएगा 16 दिन लगातार आपने इस मंत्र का जाप जरूर करना है। अब आती है बात कि जब 16वां दिन होता है तो चंद्रमा को अर्घ दे करके ही आप अपने व्रत का जो होता है समापन जो होता है वो आप करते हैं। खास करके उस दिन घर के अंदर आपको खीर जरूर बनानी चाहिए और खीर बना करके माँ लक्ष्मी को भोग, वैसे ही माँ लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद होती है, माँ लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। और क्योंकि आपने 15 दिन तक लगातार, ये 16वां दिन होता है क्योंकि 16 दिन होते हैं माँ लक्ष्मी के व्रत के, 16 व्रत होते हैं, ये बहुत ही शुभता प्रदान करते हैं, सौभाग्य की वृद्धि होती है, घर के अंदर से क्लेश खत्म होते हैं, मन मुटाव अगर परिवार में चल रहे हो वो दूर होते हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान अगर किसी तरीके से आपको सताती है वो सारी चीज़ें आपकी ठीक दुरुस्त होना शुरू हो जाती है। कई बार होता है कि संतान कुछ करना चाहती है जीवन में कार्य, लेकिन ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन सी रुकावट है जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो अगर माँ ये व्रत रखे और ये ज़रूर निश्चय कर ले कि मेरी संतान के जीवन के सारे कष्ट दूर हों, तो यकीन मानिए जो संतान पाना चाहती है वो संतान पा सकती है, जीवन के सारे मिशन को अचीव कर सकती है। देखिए माँ जब व्रत रखती है वैसे भी साक्षात देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप सोचिए उस व्रत के अंदर कितनी निष्ठा होती है। लेकिन जब आप माँ को ही सताने लगते हैं तो फिर आशीर्वाद के हकदार कैसे रहेंगे, फिर तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कभी भी अपनी माता को नहीं सताना चाहिए। इसी समय कहा जाता है कि अगर आप माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं तो बहुत उत्तम माने जाते हैं 16वें दिन, जिस दिन आपने चंद्रमा को अर्घ देना है यानी माँ लक्ष्मी के व्रत का समापन करना है, उसी दिन 16 श्रृंगार अगर आप माँ लक्ष्मी को चढ़ाते हैं, माँ लक्ष्मी के साथ साथ आपके नारायण भी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि नारायण के बिना माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती है और ना ही टिकती हैं। ये ध्यान रखें, मैंने पहले भी आपको कहा है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो नारायण को प्रसन्न कीजिए, नारायण खुश तो माँ लक्ष्मी खुश, हमेशा आपने ध्यान रखना एक चीज़ का। और दूसरे चीज़ की, जो भी धागा का आप प्रयोग करते हैं उसमें 16 गांठे आपको मालूम है लगाई जाती हैं, और उसी धागे का प्रयोग करके आपने अपने गले में माला के रूप में भी 16 दिन तक लगातार धारण कर सकते हैं, ये बहुत उत्तम माने जाते हैं। और तो और एक धागे में 16 गांठे लगा करके जब भी आप मंत्र जाप करते हैं तो उस धागे की जो डोरी होती है, जो उसको माला का रूप दिया होता है, उसे अपने सामने रख लिया करें। जब भी आपकी ये 16 व्रत पूर्ण हो जाए तो आप इसे धागे के रूप में अपने गले में धारण कर सकते हैं। घर में किसी को भी कोई कष्ट है, तकलीफ है, परेशानी है, तो इस धागे का प्रयोग वो कर सकते हैं, धागा धारण कर सकते हैं। बच्चे परेशान हैं तो बच्चों को ये धागा आप धारण करवा सकते हैं। अगर घर में कोई और व्यक्ति परेशान है तो उसको भी आप ये धागा धारण करवा सकते हैं। तो ये धागा बड़ा ही चमत्कारी धागा बन जाता है, जहाँ एक तो आपके पास धन खींचा चला आता है, दूसरा आपके पास सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य आता है, और तीसरा कभी भी आपका किसी के साथ कभी मन मुटाव नहीं होता है। शारीरिक सुख भी मिलता है, देह सुख भी मिलता है, और आंतरिक शांति और सुख भी मिलता है, धन सुख भी मिलता है और पारिवारिक सुख भी मिलता है। तो 16 दिन का ये व्रत जो होता है बड़ा ही चमत्कारी होता है, जिसका समापन 28 सितंबर को होने वाला है। तो आपने ज़रूर अगर इस व्रत को रखते हैं तो सारे नियमों का पालन कीजिएगा, और अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो माँ लक्ष्मी और नारायण की पूजा आप हर दिन 16 दिन खास करके लगातार आप ज़रूर करें। तो देखा आपने, ये बहुत ही चमत्कारी व्रत होता है, और इस व्रत का लाभ ज़रूर उठाएं और अपने जीवन के हर कष्ट को दूर ज़रूर करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।